नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द लीगल स्पीड चैनल पर। दोस्तों, AIB 17 का रिजल्ट आ चुका है और लगभग सभी कैंडिडेट्स ने जिसने अपीयर किया था इस एग्ज़ाम में, उन सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया है। लेकिन सबके सबसे ज़्यादा यही डाउट आ रहे हैं कि सर, हमारा एग्ज़ाम में जो रिजल्ट आ रहा है वो फेल है और हम इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि आंसर की में हमने 42, 43, 45 मार्क्स ऑब्टेन किए थे लेकिन रिजल्ट में फेल आ रहा है, तो अब हम क्या करें। तो मैंने सभी को बताया था कि जल्द ही रीचेकिंग का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो रीचेकिंग का नोटिफिकेशन आ गया है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट पे देखेंगे तो वहाँ पर नोटिस PDF में आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप जब जाते हैं तो नया नोटिस आ गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि अब हम रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को डाउट है अपने रिजल्ट को लेके और वो चाहते हैं कि मेरा रीचेकिंग हो, मेरा जो OMR सीट है उसकी रीचेकिंग हो, तो देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 5/5/2023 5 मई 2023 से लेके 15 मई 2023 तक रीचेकिंग के फॉर्म भरे जाएंगे। जिन भी कैंडिडेट्स को डाउट है अपने रिजल्ट को लेके, या जो श्योर भी हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जो श्योर हैं कि मेरा रिजल्ट है वो पास है लेकिन गलती से फेल हो गया है, तो वो श्योर हैं, वो रीचेकिंग के लिए भर सकते हैं। इसकी सिर्फ ₹200 फीस है। और जो कैंडिडेट्स अभी इस 5 तारीख से लेकर 15 मई तक अगर अपना रीचेकिंग का फॉर्म भर देते हैं तो उनका रिजल्ट उनके मेल ID पे उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और मेल ID से वो अपना रिजल्ट, रीचेकिंग का रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद में उनका रिजल्ट वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, जो आएगा 25 तारीख के लगभग, जो सब विद हेल्ड वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के साथ में। और जो कैंडिडेट्स अभी अगर अपना रीचेकिंग का फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि उनका रिजल्ट विद हेल्ड है, तो वो 15 तारीख के बाद में एक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में अपना रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट्स अभी विद हेल्ड हैं वो अभी अपना रीचेकिंग का फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो पास हैं या फेल हैं। तो विद हेल्ड वालों का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद में वो रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं, दूसरा नोटिफिकेशन आएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बस यही टाइम है, अभी रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनका रिजल्ट पास या फेल है, तो वो रीचेकिंग के लिए 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, मई महीने की 5 से लेकर 15 तक अपना रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं। साइट पर जाके allindiabarexamination.com की साइट पे जाके, वहाँ पे ₹200 फीस है, आप अपना फॉर्म लगाइए। तो सभी कैंडिडेट्स जिनको भी डाउट है या श्योर हैं अपने रिजल्ट को लेके, तो वो जाइए और वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना रीचेकिंग का फॉर्म लगाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।